हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, एनसीईआरटी का मैं सीरीज चला रहा हूं और अब तक जो भी एनसीईआरटी का पार्ट आया था वो था हमारा एंशेंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का। तो आज से हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री का जो है वो एनसीईआरटी का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो मेडिएवल हिस्ट्री का भाग वन है ये हमारा, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित। और दिल्ली सल्तनत का ये पार्ट वन है। इसके बाद एक और पार्ट हमारा आएगा दिल्ली सल्तनत का। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को मिस न करें। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का ये सीरीज, मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। और वीडियो को अंत तक देखिए। और इसमें जो भी प्रश्न है, लगभग 27 प्रश्न बनाए गए हैं, तो इसमें आपका स्कोर कितना आता है वो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ये जो है वो 1206 से लेकर के 1210 तक रहा और इसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसको जो है वो ये जो है मोहम्मद गोरी जो है इसको नियुक्त किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। और इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक जो है वो राज किया था। और इस वंश के शासन या जो संस्थापक थे, जो शासक थे या संस्थापक थे, इनको गुलाम कहा जाता है, गुलाम या दास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो गुलाम थे, इसलिए इनको गुलाम वंश का शासक जो है वो कहा जाता है। इसको जो है वो मामलुक वंश भी कहा जाता है, याद रखेंगे, मामलुक वंश भी कहा जाता है। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश। अब देखिए, फरवरी 1229 में, मैं डेट बताते चलता हूँ, और डेट में अगर कोई कन्फ्यूज़न है आप लोगों को तो कमेंट में आराम से पूछिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि आप ऐसे इसको करेक्ट कर सकते हैं यदि हमसे कहीं पे मिस्टेक होती है तो। ओके, फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को जो है वो प्रमाण पत्र मिला था, इलहत जिसको बोला जाता है ये मिला था। और खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम, याद रखेंगे, सुल्तान ए आजम पूछा जाता है इस टाइप का, इसकी उपाधि प्रदान किया था। और इसके द्वारा विजित प्रदेशों का जो है उसे शासक घोषित कर दिया था। और इसका जो शासन काल रहा था वो रहा था 1210 से लेकर के 1236 तक रहा था। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? उत्तर भारत में बात की जा रही है कि चांदी का जो टंका है इसको किसने जारी किया था? तो इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के जो है ये चलवाए गए थे और उसी ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी चलवाया था, तांबे का जीतल भी इसी ने चलवाया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और इसके ऊपर जो है वो खलीफा का नाम अंकित होता था। और इससे पहले इसने जो है वो सोने के सिक्कों पर नागरी लिपि और हिंदुओं के प्रचलित जो प्रतीक थे, जैसे शिव हो गया, भगवान शिव का या नंदी का, ओके, तो ये जो है इसकी आकृति जो है वो छपवाता था। और चौगान घुड़सवार ये भी होते थे, ठीक है, चौगान जिसको अभी खेल बोलते हैं, पोलो, ठीक है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है चौगान की क्रीड़ा के दौरान के अश्व से गिरने के पश्चात, ओके, उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, चौगान खेल रहा था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और चौगान खेलते समय घोड़े से नीचे गिरा और इसकी मृत्यु हो गई। चौगान जो है अभी अगर वर्तमान में बात करें तो
पोलो खेल को ही उस समय चौगान कहा जाता था। इसमें घोड़े पर सवार होकर के एक स्टिक होता है और स्टिक से जो है वो बॉल को मारना होता है, तो इसी में ये जो है वो गिरा था और इसकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक के विषय में कौन सा सत्य कथन है, कौन जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सही है, ये पूछा जा रहा है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला, खोखरों को परास्त कर गोरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजय हुई प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया। ऐबक होगा, ये बिल्कुल ठीक है। औपचारिक रूप से ऐबक जो है, ऐबक यहाँ पे होगा और लिखाया हुआ है, ठीक है, ओके। ऐबक 25 जून 1206 ईस्वी को गद्दी पर बैठा, यह भी बिल्कुल ठीक है। ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए, ये भी बिल्कुल ठीक है। राज्यारोहण के समय ऐबक जो है दास्ता से मुक्त नहीं था, यह भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की, ये गलत है। इसने जो है सुल्तान की पदवी कभी भी ग्रहण नहीं की। बाकी 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही है ऐबक के बारे में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, ओके। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, मतलब कि रजिया बेगम को जो है वो सत्ता जो है सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था, और ये जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी, बेटी थी, और ऐसा कहा जाता है कि पहली महिला शासक जो है ये बनी थी, और रजिया सुल्तान जो है वो लाल वस्त्र ग्रहण करती थी, लाल वस्त्र पहनती थी। तो कई बार पूछा गया है कि रजिया जो है वो किस टाइप का कपड़ा जो है वस्त्र पहनती थी, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुर्कों ने, ठीक है। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक थी जो तुर्कों की सहायता से 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी, और उसने दरबार में तुर्कों का, उसके दरबार में जो है वो तुर्कों का वर्चस्व जो है वो समाप्त किया, और गैर तुर्कों को भी सामंत नियुक्त किया था इसने, और जिससे क्या हुआ कि अमीर तुर्क जो थे इन्होंने अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध जो है वो विद्रोह कर दिया, ठीक है, और उसे जो है वो सत्ता से फिर हटा दिया। इसके बाद 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्यासुद्दीन बलबन के संदर्भ में सही नहीं है, ग्यासुद्दीन बलबन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था, ओके, ग्यासुद्दीन के बारे में ये सही नहीं है। बाकी ऑप्शन ए जो है उसने नियामक ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये बिल्कुल ठीक है। उसने तुर्कान ए चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी बिल्कुल ठीक है, बलबन से संबंधित, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए भारत में जो है वो एकता प्रणाली था, एकता प्रणाली को मोहम्मद गोरी ने जो है वो प्रारंभ किया था, लेकिन इसको व्यवस्थित स्वरूप देने में जो है वो सबसे ज़्यादा जो हाथ था वो था इल्तुतमिश का, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम जो है वो इक्तादार था, ये आप याद रखेंगे, और इसे जो है वो झांसी की इक्तादारी प्रदान की गई थी। इक्तादार का कार्यकाल जो है वो 3 साल का होता था, ये भी आप याद रखेंगे, 3 ईयर्स का ये होता था, और बलबन जो है वो 1266 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना, और 1288 ईस्वी तक दिल्ली पर इसने शासन किया, और इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया, और यह ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन करवाया, जैसे हम लोग कहें तो नौरोज, एक नौरोज उत्सव होता था, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसने जो है कौन सा शासक था जिसने नौरोज उत्सव जो है अपने दरबार में करवाया, जो कि एक गैर इस्लामी था, तो ये आप याद रखेंगे, बलबन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो देखिए इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन बी, बलबन। बलबन ने जो है वो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। अब थोड़ा सा बता देता हूं,
देखिए, इसने जो है वो अमीरों और विद्रोहियों का कठोरता से दमन किया था और उसने राजात्व की विचारधारा का भी प्रतिपादन किया था। इसी विचारधारा के अनुसार जो है पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि जो है, मतलब कि नियामत ए खुदाई, और सुल्तान का निरंकुश भी होना आवश्यक है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी को। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को जो है वो सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी याद रखेंगे, सिकंदर ए सानी मतलब कि द्वितीय सिकंदर जो है अपने आप को घोषित किया था, क्योंकि वह जो है वो विश्व विजेता बनना चाहता था। और आप जो है इसका मूवी भी देख चुके होंगे। उसका शासनकाल जो है वो दिल्ली में 1296 से लेकर के 1316 तक रहा था, और वह जो है अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। मदुरई तक इसने जो है वो अपना विस्तार कर चुका था। और अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत जो है वो तीन बातों पर आधारित थी। ये बातें कौन कौन सी है बता देता हूँ। निरंकुशवाद, थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ, ये जो तीन बातें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है निरंकुशवाद, निरंकुशवाद, इसके बाद जो है वो है साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद, और इसके बाद जो है वो है धर्म एवं राजनीति, धर्म एवं राजनीति का पृथककरण मतलब कि अलगाव। तो ये जो है आप याद रखेंगे। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? बाजार अधिनियम नीति ये किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये लागू किया गया था। ओके, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम नीति अपने जो प्रमुख सैनिक थे इनके रख रखाव के लिए जो है स्टार्ट किया था, और इसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल और केंद्रीकृत सेना जो है वो रखना। इसका मेन उद्देश्य यही था। और इसने जो है वो तीन प्रकार के बाजार जो है बाजारों की स्थापना की थी। पहला था अनाजों का बाजार, अनाज का बाजार था। दूसरा जो था वो था कपड़ों का बाजार। ओके, तीसरा जो था तीसरा जो था वो सराय अदल, सराय अदल था, ठीक है। ओके, नहीं, तीसरा जो है कपड़ों का बाजार, इसी को सराय अदल कहा जाता था, ठीक है, सराय ए अदल इसी को कहा जाता था। ओके, सॉरी फॉर मिस्टेक। और तीसरा जो था वो था घोड़ों का बाजार, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार। ओके, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, तो ये आप याद रखेंगे। और इसके साथ साथ गुलामों का बाजार भी, ठीक है, गुलामों का बाजार। तो ये तीन टाइप के बाजार जो है इसने शुरू किए थे, स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वह ऑप्शन ए, रामचंद्र देव था उस समय शासक, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक। ओके, देखिए, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पे जो है वो 1307 ईस्वी में तेलंगाना जो है होयसल का अभियान चलाया था। तेलंगाना में 1309 में चलाया था और होयसल में 1311 में इसने चलाया था। ओके, और उसने देवगिरी के राजा को, ये एक यादव राजा थे ये, ठीक है, यादव राजा थे जिनका नाम था रामचंद्र देव, इनको जो है वो पराजित किया। और ये जो है रामचंद्र देव क्या किया कि अपनी पुत्री का की विवाह जो है वो इसके साथ कर दिया, और इसके बदले जो है अलाउद्दीन ने उसे एक लाख टंका और एक स्वर्ण छत्र सोना का और एक रायन जो है वो उपाधि इसने दिया था, राय रायन की उपाधि इसने इसको दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की जो योजनाएं थी वो कब कब जो है वो कौन सी योजनाएं की इसने लॉन्च की ये बताना है। तो देखिए, इसका सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन सी,
पहले है दुआब में कर विधि, इसके बाद है राजधानी परिवर्तन, इसके बाद जो है वह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और इसके बाद है खुरासान अभियान। ओके, तो ये जो है आपको याद रखनी है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है दुआब में कर वृद्धि, ये 1325 में राजधानी परिवर्तन कब किया इसने, ये राजधानी परिवर्तन किया था 1326 में। इसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है इसने किया था 1329 में, ठीक है। इसके बाद खुरासान अभियान इसने किया था 1330 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित के कार्यों और ब्राह्मण और हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा था। इसके काल में दीवाने खैरात, मतलब कि दीवाने खैरात का मतलब हुआ असहाय और गरीबों की मदद के लिए, दीवाने बंदगा, दीवाने बंदगान का मतलब हुआ दास विभाग, ओके, दास विभाग, दारुल सफा, दारुल सफा का मतलब हुआ सरकारी अस्पताल, दफ्तर है रोजगार, इन सब की स्थापना जो है वो इसने किया था। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, कौन है वो? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ओके, फिरोज शाह तुगलक जो है वो ब्राह्मणों पर इसने जजिया कर लगाया था और पहला शासक था ऐसा करने वाला, ये याद रखेंगे। और इसके विरोध में दिल्ली के जो ब्राह्मण थे इन्होंने भूख हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी, लेकिन अंत में फिर क्या हुआ कि दिल्ली के जो हिंदू लोग थे उन्होंने ही कहा ब्राह्मणों को कि चलिए भाई आप जो है, आप लोगों का जो भी कर है, टैक्स है, वो हम ही लोग पे कर देंगे इसको। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। ओके, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, और वह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था ये, ठीक है। और उसकी पुस्तक का नाम है रेहला, ओके, रेहला इसकी पुस्तक का नाम है। और इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी कहा गया है, ओके, काजी नियुक्त किया गया था, सॉरी। मोहम्मद बिन तुगलक किस में कुशल था? इसका सही जो आंसर है वो है दर्शन शास्त्र में, ओके, दर्शन शास्त्र में ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो कुशल था। और मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा जो है वो शिक्षित विद्वान और एक योग्य व्यक्ति था, और इसने दिल्ली में 1325 से 1351 तक जो है वो शासन किया था। और वह जो है वो अरबी और फारसी का बहुत ही बड़ा विद्वान था, और खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र, ये सब में ये पारंगत था। ओके, एक अभिलेख है राजमुंद्री का, ठीक है। तो राजमुंद्री के अभिलेख में उसे दुनिया का खान कहा गया है, दुनिया का खान। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होता था, और उसने नस्ल नस्ल जो होता है, मतलब कि रंग भेद या कुछ भी हम लोग कहें, नस्ल और वर्ग विभेद, इन सबको जो है वर्ण व्यवस्था, ये सबको समाप्त करके योग्यता के आधार पर जो है वो अधिकारियों को नियुक्त करने की जो नीति है इसको अपनाई थी। और दिल्ली सल्तनत की सीमा का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो इसी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसने क्रूर नीति भी अपनाई थी जिसके कारण बहुत सारे विद्रोह भी इसके विरोध में हुए थे। निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया है? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है।
क्योंकि उसकी अधिकांश नीतियां सैद्धांतिक होती थी न कि व्यवहारिक, और वह ज्ञानी तो था लेकिन वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीतियों पर अधिक जोर देता था। मोहम्मद बिन तुगलक, किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्कों के प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा चलाई? तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1329 से 30 के बीच जो है इसने चांदी और सोने दोनों के सिक्के जो है इन दोनों के स्थान पर तांबे का जो मुद्रा है ये चलाया था, लेकिन लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बना करके बनवाया और मुद्रा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह नीति जो है वह असफल रही। और इसकी प्रेरणा सुल्तान ने मांगेल एक जगह है ठीक है मांगेल सॉरी मांगेल नहीं मंगोल ठीक है मंगोल मंगोलिया जिसको बोलते हैं मंगोल शासक कुबलई खान इससे लिया था। दौलताबाद, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी, वह स्थित है? इसका सही जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, औरंगाबाद। औरंगाबाद ये जो औरंगाबाद है ये महाराष्ट्र का औरंगाबाद है ठीक है, आप याद रखेंगे महाराष्ट्र का वर्तमान का औरंगाबाद है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम नीति के तहत जो है और राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जो है वो मतलब कि वर्तमान में औरंगाबाद इसमें स्थानांतरित किया, और यह कार्य पूर्णतः जो है वो असफल रहा था। और फिर क्या किया, पुनः अपनी राजधानी दिल्ली ले आया। दौलताबाद नगर की स्थापना जो है वो यादव राजा थे भिल्लम ओके इन्होंने की थी याद रखेंगे, और दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है, देवगिरी भी इसको कहा जाता है। और दौलताबाद नाम जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 5 1 3 2 4। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वंश का नाम दिया हुआ है, इलबरी तुर्क यानी कि गुलाम वंश 1206 से 1290 तक इनका शासन रहा। इसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश जो है वो 1290 से, देखिए डेट में कोई भी कंफ्यूजन हो आप पूछिएगा, 1320 तक इनका शासन रहा। अब तुगलक की अगर बात करें तो तुगलक जो है ये रहा 1320 से लेकर के 1414 तक ओके। इसके बाद सैयद की अगर बात करें तो सैयद जो रहा है वंश ये 1414 से लेकर के 1451 तक। इसके बाद लोदी वंश की अगर हम लोग बात करें तो ये 1451 से लेकर के 1526 तक ये रहा, तो इतना याद रखेंगे। लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बहलोल लोदी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक थे अलाउद्दीन असलम शाह ओके सॉरी असलम शाह नहीं आलम शाह इनका नाम था ठीक है आलम शाह, इसको जो है वो अपदस्थ किया था और लोदी वंश की स्थापना इसने की थी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था इब्राहिम लोदी ओके इब्राहिम लोदी। देखिए लोदी वंश का ये अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। बाबर जो है बाबर के साथ इसका युद्ध होता है 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो इसके साथ होता है इब्राहिम लोदी के साथ होता है 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ। इसमें जो है वो इब्राहिम लोदी हार जाता है, मारा जाता है ओके और देखिए इब्राहिम लोदी ही युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला पहला सुल्तान था। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की,
तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोधी। ओके सिकंदर लोधी, देखिए सिकंदर लोधी जो है वो गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं जो है वो लिखता था और वह शिक्षित और विद्वान था। और सिकंदर लोधी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ था और इसने भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी ओके इसका प्रचलन करवाया था। और चुग्गी और व्यापारिक कर भी इसने हटा दिए थे जिससे जो है वो अनाज कपड़ा ये सब चीज़ें जो है वो सस्ता हो गई थी। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। ओके सिकंदर लोधी इसी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से आगरा को ये लेकर चला गया था। और सिकंदर लोधी ने ही मुहर्रम और ताजिया निकालना जो है वो बंद करवा दिया था और मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करने के लिए उसने जो है वो शिक्षा का प्रदान करके मस्जिद को है वो शिक्षा का एक एजुकेशन जो है इसको सेंटर बना दिया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया? इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी बलबन। ओके बलबन। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बलबन। अभी जस्ट जो है इसके बारे में मैंने बताया है कुछ देर पहले ही, राजत्व सिद्धांत के बारे में मैंने बताया था। तो ये था 27 क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। ओके शेयर जरूर कर देंगे जितना आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा। सो बस इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच।